Assalamu alaikum. My name is Khurram Shahzad and I'm talking to you about something very important. Someone said that don't be know it all, but be learn it all. What does it mean by it? That means that like we as a human being, as a professional, need to keep learning new things every day. Instead, if we try to pretend that I already know everything, if I start believing like that, like I know everything, then why should my subconscious mind ask me to learn new things? That is very dangerous. Hana? So, friends, please, hum sabko, as a human being, as a professional, is baat ko bahut dhyan se samajhna chahiye. Ke koi bhi shakhs is not a know-it-all person. हम सबको ज़रूरत है सीखने की हर टाइम, गोद से कब्र तक, गोद से गौर तक. सो क्या है कि हम जितना ज़्यादा जिस टाइम पे सीखेंगे उसके बाद आने वाले टाइम में उतना ज़्यादा उस सीखने का रिवॉर्ड मिलेगा. आज सीख रहे हैं, आज रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, सिचुएशन चेंज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम. इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ऐसे हालात आ जाएंगे जहां आपके उस सीखे हुए इल्म की और स्किल की ज़रूरत हो सकती है. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट नॉलेज एंड स्किल सेट, द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग मोर रिवॉर्ड एंड बेनिफिट्स फॉर दैट. सो इसलिए इफ़ यू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, इफ़ यू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, देन ऑब्वियसली इवेंचुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड बेटर रिवॉर्ड्स इन द कमिंग डेज. अंडरस्टैंड? आई applied this psychology, this philosophy, this strategy in my life and I got a lot of benefit out of it. So that is the reason I'm suggesting you, I'm requesting you, I'm recommending you that please always be learn it all person. Hamesha hamesha seekhne pe focus kare. Aur seekhne ke tarike kya hai? Haan, aap doston se milte ho, seekhte ho, aap kitab padhte ho, seekhte ho, आप ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो. अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प करो, कैसे अच्छाई और बुराई में तमीज़ करनी है, कैसे आपने बेहतर और कम बेहतर को पिक करना है, चूज़ करना है, कैसे आपने अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने, कैसे आपने गोल सेट करने हैं, कैसे आपने स्ट्रेटजी बनानी है अपनी लाइफ की सक्सेस की. ये छोटी छोटी बातें अगर हम सीख लें, इस पर अमल करना शुरू करें, तो ऑब्वियसली हमारी कल वाली लाइफ आज से बहुत बेहतर होगी. ऐसा है ना? सो कितनी एग्जांपल्स हैं. एक लड़का गांव में पैदा हुआ, पीले स्कूल से पढ़ा और इवेंचुअली लर्निंग इट ऑल के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते बढ़ते वो आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे अच्छी लाइफ गुजारते हुए नज़र आएंगे. और अगर एक शख्स गिव अप कर दे कि नहीं, जो सीख लिया दैट इज़ इनफ, अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ आई एम डन विद दैट लर्निंग प्रोसेस, सो क्या होगा? यू स्टॉप लर्निंग, यू स्टॉप ग्रोइंग एंड यू स्टॉप बीइंग बेटर पर्सन. सो द बेटर पर्सन यू बिकम, द बेटर अपॉर्चुनिटीज यू अट्रैक्ट. दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू. आई होप आई हैव ट्राइड टू कन्वे द मैसेज एंड दैट इज़ कन्वेड टू यू प्रॉपरली. So, wish you all the best. Keep learning, keep growing, and try to be a better person every single day. God bless you. Khuda Hafiz.